और अब आपको सीधा लिए चलते हैं कोटा, जहां इस वक्त यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल रोड शो कर रहे हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें कोटा से देख रहे हैं, जहां इस वक्त यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल रोड शो के जरिए दमखम दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भंवर एस चारण मौजूद है फोन लाइन पर। भंवर, क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है? नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर यूडीएच मंत्री ये रोड शो कर रहे हैं, क्या इसे एक शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जाए? बिल्कुल, शक्ति प्रदर्शन, और जिस मुद्दे पर कांग्रेस कोटा में नगर निगम का चुनाव लड़ रही है वो मुद्दा विकास का है, और शांति धारीवाल विकास पुरुष की अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी इमेज के बूते कोटा शहर के मतदाताओं के बीच में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज का जो धारीवाल का रोड शो है उसको बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का सबसे मजबूत दाल था जो कोटा में कांग्रेस ने खेल दिया है। और फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो सीधी तस्वीर आप फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड नंबर 22 के स्टेशन क्षेत्र के बदाना इलाके से हैं। बदाना कोटा शहर के नगर निगम के दूरदराज का एक इलाका है, वहां से धारीवाल ने रोड शो किया है। फिलहाल ओपन जीप में वो सवार है, उनके साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शहर के रविंद्र त्यागी ओपन जीप में सवार हैं, और कांग्रेस के नेता राजेंद्र सांखला ड्राइविंग सीट पर है। भारी हुजूम यहां पर कोरोना काल के बावजूद कार्यकर्ताओं का उमड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की नाकामयाब कोशिशें भी इस बीच में यहां पर हो रही है। पुलिस का तगड़ा यहां पर बंदोबस्त है सुरक्षा का। और फिलहाल ये काफिला जो है ये बदाना से होकर के और रंगपुर पुलिया की तरफ बढ़ गया है, जहां से भीमगंज मंडी होते हुए, राम मंदिर होते हुए, रेलवे कॉलोनी होते हुए, बोरखेड़ा काला तालाब होते हुए और नदी पार तक इलाकों में ये रोड शो निकलने वाला है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश ये है कि अब जबकि बिल्कुल वोटिंग का दिन नजदीक आ चुका है, दो ही दिन केवल बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में किस तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जाए, ये सब करने के लिए खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो है वो आज निगम चुनाव के सियासी रण में यहाँ पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जी भंवर, इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आया, जिस तरह से आपने भी बताया कि एक कोरोना गाइडलाइंस की पालना की कोशिश नाकामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन चूंकि अभी नगर निगम चुनाव है तो ऐसे में कांग्रेस अपना पूरा दमखम पूरा जोर शोर से प्रचार करने में जुटी है। और कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल क्या आम जनता से अपने इस राज्य सरकार के जो कार्यकाल रहा है और जो भी इनकी उपलब्धियां रही है, क्या इसी के बेस पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं? सीधे तौर पर कांग्रेस चूंकि फिलहाल प्रदेश में सत्ता में है और कोटा में शांति धारीवाल जो कि यूडीएच के मंत्री हैं वो उनका गृह नगर कोटा है, तो कोटा में उन्होंने मंत्री बनने के बाद करीब करीब 2 से 3 हजार करोड़ के विकास कार्य शुरू करवाए हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स यहां पर चल रहे हैं। इसके अलावा चुनावों से ठीक पहले धारीवाल ने एक वार्ड कार्ड खेला था, उन्होंने कहा था कि कोटा नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं हर वार्ड में 3 से लेकर 10 करोड़ तक के नाली पठान सड़क और दूसरे आधारभूत सुविधाओं के काम कराए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर विकास ही कांग्रेस का मुद्दा है, जिस मुद्दे के दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और फिलहाल चूंकि कोटा में 2 नगर निगम हो चुके हैं, लेकिन जो कोटा उत्तर नगर निगम है वो कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र का कोर इलाका है, और यहाँ के चुनाव परिणामों से सीधे सीधे प्रदेश के ताकतवर काबीना मंत्री शांति धारीवाल की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए और विकास के मुद्दे को भुनाने के लिए फिलहाल शांति धारीवाल जनता के बीच में। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस पूरे रोड शो के दौरान कहीं भी किसी सभा का कार्यक्रम नहीं है, किसी सम्मेलन का कार्यक्रम नहीं है, कहीं भी धारीवाल जनता को संबोधित नहीं करेंगे, केवल रोड शो में वो सवार रहेंगे, ओपन जीप में सवार रहेंगे। हाँ, बीच बीच में कुछ स्थानों पर कार्यकर्ता जरूर एकत्रित हैं जहां पर उनकी गाड़ी धीमी होगी, शायद कुछ देर की रुक भी सकती है, लेकिन वो ओपन जीप से नीचे नहीं उतरेंगे। और रोड शो के अंदाज में कोटा उत्तर नगर निगम के जो करीब करीब 70 वार्ड हैं उनमें से 50 वार्डों को आज शांति धारीवाल अपने रोड शो के माध्यम से कवर करने की कोशिश। तमाम जानकारी देने के लिए भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।